मानसून इज ऑल अबाउट बारिश, चाय पकौड़ा, ग्रीनरी एंड ऑल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा लिविंग रूम मेकओवर, जो कि है मानसून इंस्पायर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीजीपी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकओवर की सबसे अच्छी खासियत है कि आपका घर डीप क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने सोफ़े को भी क्लीन कर रही हूँ, विंडो पैनल्स सब कुछ क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वेलवेट के इसके ऊपर कवर्स लगे हुए हैं जिनको मैं रिमूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से इसके डस्ट को निकाल रही हूँ। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा थ्रो एंड फर्निशिंग्स इसके ऊपर यूज़ करने का, क्योंकि आपको पता ही है कि वेलवेट बहुत ज़्यादा डस्ट अब्सॉर्ब करता है। तो मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लीनिंग प्रोसेस शेयर नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने एक डीप क्लीनिंग कर ली है एंड अभी मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्टन्स लगाऊंगी। तो ये कर्टन्स मेरे काफ़ी पुराने हैं, मीन्स 2 साल पुराने हैं। एंड ये जो टील कलर है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। एंड ये फ्लोरल प्रिंट, ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। ये थोड़ा सा प्राइसी था बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ इसका परफेक्ट है। नेक्स्ट, वही जो मेरे पास थ्रो था उसे ही वॉश करके मैं वापस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं एक और थ्रो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये थ्रो कम्प्लीटली DIY है, मैं लोकल कपड़े की शॉप से एक फैब्रिक लेकर के आई थी एंड उसमें मैंने ये कुछ टैसल्स लगाए थे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ फ्लोरल कुशन्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इस वीडियो के लिए 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किए हैं। जो भी फर्निशिंग्स या डेकोरेटिव पीसेस मेरे पास पहले से थे मैंने उन्हें ही यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये कुछ क्यूट क्यूट प्रिंट वाले मेरे पास कुशन कवर्स हैं, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। मैंने प्लान किया था कि मैं आपके साथ एक हॉल वीडियो शेयर करूँगी बट वो हो नहीं पाया। एंड ये काफ़ी क्यूट लगते हैं, ये थोड़े से चुंबक इंस्पायर्ड प्रिंट्स हैं। एंड अगर आपको डबल लेयरिंग करनी है कुशन्स की तो आप प्रिफर करें कि एक सॉलिड हो एक प्रिंटेड हो, बट मेरे पास नहीं था कोई सॉलिड कलर तो मैंने इसे ही यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगेन मैं अपने कॉफ़ी टेबल के ऊपर एक टेबल रनर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे एक कुशन कवर से काफ़ी मैचिंग है। एंड इसके ऊपर ये एक वुडन ट्रे, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था बस आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये बुद्धा आपने मेरे बहुत सारे मेकओवर्स में देखा होगा, ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। एंड ये मैं लाई थी टेंगा से, टेंगा आपको अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ मैं गई थी तो वहाँ से मैंने इसे लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ मनी प्लांट्स ऐड कर रही हूँ। ग्रीनरी आप कहीं पे भी ऐड करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, वो आपके उस कॉर्नर को सडन अपलिफ्ट करता है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ अपने हैंड वूवन कोस्टर्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने 2 साल पहले बनाए थे एंड ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, सस्टेनेबल हैं, कितने भी कोस्टर्स आए जाएं बट ये तो रहता है, ये ना गुम होता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसे वॉश कर सकते हैं। इन्हें रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आइकिया का ये कैंडल होल्डर जो कि है मेटल का एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसके ऊपर मैंने अपने कोस्टर्स को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया है। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ बुद्धा। तो मुझे बुद्धा अपने घर में अपने होम डेकोर में यूज़ करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अगेन जो मैंने DIY किया था एक चकला, उसे मैंने प्लेस किया है एंड इसके ऊपर अपना ये वुडन बुद्धा जिसको मैंने हैंड पेंट किया है विद द हेल्प ऑफ चॉक पेंट। एंड उसके पीछे मैं एक बैकड्रॉप यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था, ये एक DIY फ्रेम है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं जो कि शूट नहीं हुआ है बट आपको फाइनल आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये एक कॉर्नर शेल्फ है, अगर आपने देखा होगा मेरे रूम में आपको समझ में आ जाएगा आगे की वीडियो में। तो यहाँ पे भी मैं कुछ कलरफुल मींस येलो वाइट एंड रेड कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। वेल, मेरा प्लान था कि मैं सब कुछ यहाँ पे येलो रखूँगी बट फिर मैंने थोड़े से चेंजेस किए एंड यहाँ पे भी मैंने थोड़े कलर्स और ऐड किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने ये 2 बॉटल्स जो कि कपल बॉटल है इन्हें यूज़ कर रही हूँ एज अ बुक एंड।
इसके जस्ट नीचे वाली शेल्फ को मैं डेकोरेट करूंगी अपने हैंड पेंटेड केटल से, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। एंड इसके साइड में ये दो कैक्टस वाले फ्लावर पॉट, तो ये मैंने लिया है एक इंस्टाग्राम स्टोर द स्कारलेट स्टोर से, तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही क्यूट क्यूट आइटम्स हैं एट रीजनेबल प्राइस। एंड इसके साथ मैं यहाँ पे कुछ क्यूट क्यूट एलिमेंट्स ऐड करूंगी एंड वी आर डन फॉर दिस शेल्फ। नेक्स्ट मैं डेकोरेट कर रही हूँ अपनी एक इस पेंटिंग से, जो कि मैंने बनाया है होममेड सप्लाईज से। चॉक पेंट हो, जेसो हो, टेक्सचर पेस्ट हो, या स्टेंसिल्स हो, या स्कल्पचर पेस्ट हो, तो सारी चीज़ें हमारी होममेड थी एंड उससे हमने इस पेंटिंग को बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया है तो प्लीज़ जाके चेक करिए, एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी एंड आई बटन में भी दे दूँगी, आप उसे इसलिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन मैंने एक बुद्धा, एक बॉटल आर्ट, सब कुछ यहाँ पे डेकोरेट किया है। एंड आपको पता है मुझे ऐसे छोटे छोटे मॉन्क्स बहुत क्यूट लगते हैं। ये मैक्रमे मिरर भी मैंने अपने लास्ट लिविंग रूम में कोवर्क में आपके साथ शेयर किया था, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। इसका भी ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो जितने भी DIY हैं वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको पता है कि मेरे सोफे के साइड में एक कॉर्नर टेबल रखा है मैंने, तो उसके ऊपर मैंने कुछ जो भी DIY चीज़ें हैं उन सब के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने देखी हैं उस मैट को छोड़ के सारी चीज़ें DIY हैं। नेक्स्ट, रेंटल अकोमोडेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वायर्स को कैसे हाइड करें। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे स्पीकर का बहुत शौक है और उसे लगाना ही लगाना है कि मुझे स्पीकर्स लगाने हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप उसे इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे हाइड कर दिया है एंड हमारा डेकोरेशन कम्प्लीट होता है। तो अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मुझे बिजी बी स्टोर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक पेज क्रिएट किया है जहाँ पर मैं अपने हैंडमेड क्रिएशंस सेल करती हूँ। तो अगर आपको भी कोई चीज़ परचेस करनी हो या आपको कस्टमाइज़ करानी हो, ऑर्डर करनी हो, तो आप मुझे वहाँ पे DM करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड जाते जाते मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।